हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। बहुत ईजी भी बनती है, बहुत टेस्टी सी बनती है। और आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, ये तीन बड़े बड़े टमाटर हैं, मैंने बारीक काट के लिए है। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, बारीक काट के लिया हुआ। ये तीन आलू है मीडियम साइज़ के, ये मैंने ऐसे टुकड़े करके लिए। इसके पतले पतले करने हैं आपको, इतने इतने कम से कम। ये है हल्दी, ये कांदा लहसुन मसाला, ये रेड चिली पाउडर, ये शक्कर ली है थोड़ी सी, और नमक है, और ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, इसमें अभी हम लोग हींग डालेंगे। और हींग डालने के बाद इसमें हम लोग प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा नरम होने तक हम लोग इसको भूनेंगे तेल में। और अभी क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, इस प्याज में ही हम लोग अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, ये तीन छोटे चम्मच ऐसे वाले, जो आपको पेस्ट्रीज के साथ वगैरह मिलते हैं ना, वो चम्मच मैं इसमें यूज़ करती हूँ। तेल में अगर आप जब ये डालोगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और उसी के साथ ये मसाले भी सब डाल देंगे। तो प्याज भी जल्दी पकेगा नमक डालने की वजह से। अभी देखिए, ये अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें से, और तेल भी छूट रहा है आप देखिए साइड से। तो अभी हम लोग इसमें ये टमाटर डालेंगे। इसमें आपको टमाटर ज़्यादा लेने हैं प्याज से, और आलू से भी टमाटर ज़्यादा रहना चाहिए इसमें, तो ये सब्ज़ी अच्छी लगेगी। अभी ये टमाटर गलने तक हम लोग को इसको पका लेना है, भून लेना है टमाटर गलने तक अभी इसको। और फ्रेंड्स देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डाल रही हूँ, एक बड़ा वाला चम्मच। और इसको अभी मिक्स कर लेती हूँ, और अभी इसको फास्ट गैस पे हम लोग भूनेंगे, ये गल जाना चाहिए। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, मेरी सबसे फेवरेट है। और ये अब प्लेन दाल जो रहती है ना, जिसको सिर्फ जीरे का तड़का और हींग का देते हैं, उसके साथ अगर आप ये सब्ज़ी खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। पूरी के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है लगती है। Yeah.
जैसे जैसे टमाटर गलने लगेगा ये सब्जी कम होती जाएगी। श्रिंक हो जाएंगे, लेकिन आपको इसको पूरा गलाना ही है ये टमाटर को। फिर ही इसमें आपको आलू डालने हैं। फ्रेंड्स, अभी ये कोरोना का जो सीज़न चल रहा है, मतलब सीज़न अभी इसको सीज़न ही बोलना पड़ेगा, तो आप क्या करें, आपके जो खाना है उसमें आप लोग ज़रूर ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट या सिर्फ लहसुन अदरक वाला चाय, ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज़ करें। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और हफ्ते में एक दो बार भी काढ़ा ज़रूर बनाइएगा, जो सब गरम मसाले से बनता है, और तुलसी की पत्ते डालते हैं उसमें, वो वाला काढ़ा। बहुत हालत ख़राब हो रही है कोरोना के वजह से, हॉस्पिटल्स में जगह भी नहीं है। मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बोला था कि अभी हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है, तो हम लोग लोगों को बोल रहे हैं घर पे ही होम क्वारंटाइन हो, अगर इमरजेंसी नहीं है जब तक तब तक। तो प्लीज़ सब लोग आपके खुद की केयर खुद करें, और गरम चीज़ें खाएं, ज़्यादा गरम मसाला स्पेशली, वो इम्यूनिटी आपको बढ़ाएगा। ये देखिए, अभी ये गल चुके हैं टमाटर, देख सकते हो आप। अभी हम लोग इसमें आलू डाल देंगे। अभी इसको मिक्स करेंगे। टमाटर पूरे पानी में डूब नहीं जाते तब तक। इतना पानी, और इसको अभी हम लोग उबलने देंगे जब तक आलू पकते नहीं है। तो इसमें कम से कम 5 से 7 मिनट तो आराम से लग जाएंगे ये पकने में। तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी फ्रेंड्स, ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, और इसको आपको बीच बीच में ना हिलाते रहना है, वरना ये अगर एसी वाली कढ़ाई है तो, नॉनस्टिक में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें से पानी भी सब निकल चुका है। देखेंगे आलू, पकना बाकी है इसमें से। आलू पे भी है, कभी कभी आलू जल्दी पक जाते हैं, कभी कभी टाइम लगता है, तो इसमें हम लोग को और थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा, कि और 2 मिनट तक ये उबले, और 2 मिनट के बाद देखेंगे। आलू पक गए लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं आगे के, और अभी हम लोग देखेंगे यह आलू पका है कि नहीं। अगर इजीली कट हो रहा है तो पका है, पक चुके हैं अभी आलू। तो ये सब्ज़ी भी अभी रेडी है। तो
तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसमें हम लोग धनिया डालेंगे, और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उसे ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो लोग नए हैं। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।